बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ जी। जो मेरे देसे परदेसे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में रखे, सबकी परेशानियां दूर करे, बे औलादों को औलादी नदीना दे, बे घरों को अल्लाह पाक अपना घर दे, जिनके कच्चे घर हैं और अल्लाह पाक उनको भी अपना पक्का घर दे, और जो बेचारे परेशान हैं, मुसीबत है, जो खास तौर पर बीमार लोग हैं, अल्लाह पाक उनको शफा दे, सेहत याबी दे, सेहत वाली जिंदगी दे। सेहत होती है तो सब कुछ ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, सब कुछ है जहां में। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर बीमार है तो हम लोग गरीब हैं, तो हम लोगों को अमीर भी होंगे ना बेशक, तो कोई चीज भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पैसा भी सब काम नहीं करता। तो मैं कहती हूँ अगर बंदा गरीब है तो सेहत होगी ना, हम चटनी इसके साथ ही रोटी खा लेंगे तो अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जी मैं वीडियो का आगाज करती हूँ इन नेक दुआओं के साथ। तो सबसे पहले तो ये बात करूंगी, छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आपको पता है मेरी हर दफा जो मेरी नए बहन भाई हैं आने वाले, वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो होगी आपके पास फौरन मिल जाएगी। तो चले जी अब वीडियो का आगाज करते हैं। आज जी मैं आपके साथ एक बात शेयर भी करना चाह रही हूँ। मेरे बहन भाई ने पूछा जी मेरा घर अपना है या नहीं है। तो जी व्यूअर्स, मेरा घर अपना नहीं है और मैं किराए के घर पे रहती हूँ, और मैं ये चुबारा है ऊपर का पोर्शन है, मैं वहां रहती हूँ। और ये है कि एक कमरा है, साफ सुथरा सा बरामदा है। हाँ, यहाँ पे किचन नहीं है। किचन के लिए मुझे इतनी परेशानी होती है ना, आप यकीन करेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, हर वक्त यही काम होता है। और बस परेशानी यह है कि कमरा भी एक है, घर भी अपना नहीं है। तो बस मैं हर वक्त यही वीडियो में दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है, बेघरों को अपना घर दे, कि शायद हम अगर दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे तो हमारे लिए भी वो दुआ कबूल होगी। तो ये कमेंट आया था, मैंने आप भाई को जवाब दे दिया है। आप मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज मैं अपना किचन सेट कर रही थी, क्योंकि काफी दिन हो गए थे, ये रेक भी मैंने साफ नहीं किया था, क्योंकि अक्सर मैं जिधर कभी बरामदे में बैठ के खाना बना रही हूँ, कभी अंदर बना रही हूँ, कभी कहाँ बना रही हूँ, कभी कहाँ बना रही हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने सामान भी इतना मुख्तसर सा रखा हुआ है कि बारिश कभी भी आ सकती है। अभी भी आप देख सकते हैं बादल बने हुए हैं बाहर, तो सुबह से हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, बादल भी बने हुए हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ये बारिश कभी भी आ सकती है। और अक्सर जब हम रात को सो रहे होते हैं ना, तो जब भी बारिश आ जाती है, तो इसलिए फिर वो सारी चीजें नींद से उठ के ना उठा के रखनी पड़ती है, कोई चीज गिर जाती है नीचे, कुछ क्या होता है, कुछ गीली हो जाती है। तो इसलिए मैंने इतने बर्तन चर्तन अपने नहीं रखे हुए, बर्तन मैंने अंदर रखे हुए, तो इसलिए मैं जो है ना किचन की आज जरा सफाई करी थी, ताकि जो है ना किचन जरा सेट कर लूं, साफ कर लूं। और ये मेरा नमक मिर्चों वाला जो रेक है, ये बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको भी आज मैं धोंगी, इसको खुश करूंगी, ये देखें। और इसमें कुछ मसाले हैं, ये देखें, ये पत्ती वगैरह देखें, कुछ है कुछ नहीं है, नमक तो रखा हुआ है बहुत सारा, और ये देखें ये डब्बी खाली है, और ये पिसा हुआ खुश्क धनिया भी मंगवाऊंगी। और ये जो रेक है ना, ये बहुत गंदा हो रहा है, ये वाला खाना, लाल मिर्चों वाला, इसको मैं वॉश करूंगी खुश्क करके, फिर इसमें जो है ना मिर्चे जो है वो भरूंगी। तो मेरी वीडियो का आगाज स्टार्ट शुरू हो गया जी। अब पहले हम सबसे पहले इस रेक को साफ करेंगे, इस चार बाई बिछा के बैठ के, और सारे जिसमें इसमें स्पाइसी मसाले रखे हुए हैं उसमें सारे एक प्लेट में डालती हूँ, ताकि उस रेक को मैं धो लूं और कुछ कर लूं। देखिए बर्तन में ना अपने इसलिए भी नहीं रखती कि मेरी जो है ना बारिश से बर्तन सारे खराब हो जाते हैं, बहरहाल अब क्या करें, हर चीज का नाम जो है ना मजबूरी का नाम कहते हैं ना, शुक्रिया, तो बस यही कह सकते हैं, और हर हालत में अल्लाह का बस यही है, शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है जी, तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे, बड़ा घर दे, और जिसमें किचन भी हो, सब कुछ हो। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और जो नए बहन भाई हैं
सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और आप यकीन करेंगे मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड जो है ना वो काम जो करते हैं उसमें यही है कि रोटी राशन बस, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कह सकते हैं, तो वो उसमें पूरा होता है। आपको पता है आजकल खर्चे कितने हैं, महंगाई कितनी है, बच्चे जो है ना माशाल्लाह मेरे वो जो है ना पढ़ना चाहते हैं और मैं इतने अखराजात जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है बच्चों की जो फीसिस वगैरह होती है, बड़ा बेटा मेरा मैट्रिक में पढ़ता है, वो गवर्नमेंट के स्कूल में यानी कि मैट्रिक में कर लिया उसने, अब वो गवर्नमेंट के कॉलेज में जाएगा क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो मुझे यही कह रहा है कि अम्मी मुझे अकेडमी भी लगना है। मैंने कहा बेटा आप खुद पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, अकेडमी में पढ़ोगे या फिर गवर्नमेंट में पढ़ोगे, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल अब यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक ने जो है ना मुझे कहीं से भी आमदनी का जरिया हो जाए और मैं अपनी बेटी बच्चों की ख्वाहिश जो पढ़ने की है ना वो पूरी करूं। और इसलिए ही मैंने चैनल खोला था कि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कर लूं कुछ। तो ये देखें, ये मैंने सारा रेक खाली कर दिया है और ये मसाले मैंने निकाल के रख दिए हैं, इसको धो के खुश करके। और ये सारे देखेंगे घी वाला डब्बा भी गंदा हो रहा है, तो हम वॉश करेंगे। जी बस ये मैंने धो दिए हैं सारे और देखिए साफ सुथरे हो गए। और इस तरह मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी तो अब मैं इनको रखूं पहले धूप में, ये खुश्क हो जाएंगे और फिर इसमें हम रखेंगे मसाले। मैं जा रही हूँ इनको धूप में रखने, तो गहरे में फिर हम रखेंगे मसाले इसमें ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह ना। इधर हल्की हल्की धूप आ रही है, मैंने कहा ये जो है इधर सूख जाएंगे। चले ये सूख जाएंगे और फिर मसाले डालते हैं। ये डब्बा भी अल्लाह पाक अब तो बारिश ना हो, हम लोग तो थक गए हैं बारिश से और या अल्लाह बस कर दे क्योंकि अक्सर देही इलाकों में ना सैलाब आने के खतरे हैं, तो ना परेशान हो रहे हैं सारी दुनिया बेचारी, जो गांव वाले हैं वो सब परेशान हो रहे हैं, सारी दुनिया परेशान हो रही है बारिश से, खासतौर पर हमारे पाकिस्तान वाले। रुजियान बेटा आप क्या कर रहे हो, खिलौने खिलाए हुए हैं? मेरे बेटे को इतना शौक है ना फौजी बनने का, वो हर वक्त यही खिलौनों से ही खेलता रहता है, फौजी वाले खिलौनों से। कभी मैं ये रैकेट चलाऊंगा, ये मेरा टैंक है, ये फौजी क्या क्या चीजें हैं यार, वो क्या है, वो गाड़ी किसकी है, ये वाली अच्छा। और ये रॉकेट है, जहाज भाई रॉकेट है ना, ये जहाज को रॉकेट कहते हैं। सही है जी, ये जुयान जी बड़े मजे से खेल रहा है। फिर बारिश होने का पता नहीं अब क्या सिलसिला है, चले अल्लाह पाक रहम करे बस। करो उसको सामने बादल आ रहे हैं, फटाफट फिर सामान उठा लो, पता लगे बारिश फिर हो गई। कुछ और खेलो, मैच वगैरह खेलो, अजान को भी तो आज छुट्टी है, अजान के साथ अध्याय के साथ मैच खेलो, सही है ये फिर खेल लेना। मेरे बेटे ने कितनी प्यारी चीजें भी सेट की हैं और मुझे यही डर है कि बारिश ना हो जाए। तो जी वीवर्स, आप लोगों ने सबने मेरे लिए यही दुआ मांगनी है, कहते हैं ना बंदा किसी से दुआ ले और दे, तो मुझे अल्लाह पाक अपनी छत दे, अपना घर दे। खास तौर पे देखें बारिश वाला फिर मौसम हो रहा है और अभी मैंने मसाले वाले डब्बे धोए, वो सारे गंदे हो रहे थे, तो अंदर रख बाहर कर करके ना, तो अल्लाह पाक मुझे भी अपना घर दे, अपना किचन दे, कुछ खुला घर दे। और देखें यहाँ एक कमरा है, वहीं पे बाथरूम है, वहीं पे मशीन रखनी है, वहीं पे मैं चूल्हा रख देती हूँ और वहीं पे हम लोग सोने चले जाते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज मुझे सपोर्ट करनी है क्योंकि मैं आपके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल अधूरी हूँ। क्रिकेट खेली जा रही है, मौसम भी इंजॉय कर रहे हो आप लोग है, चलो खेलो खेलो, बच्चे भी है ना वो, एक तो बच्चे वाली जो है ना हमारे मालिक मकान वो भी शोर करते हैं कि बच्चों को ना आप ज्यादा ऊपर यानी कि खेला ना करो, शोर ना मचाया करो, तो इसलिए भी परेशानी होती है। तो ये बेचारे डर से खेल रहे हैं और मैं आपको कह दे रही हूँ कि आप लोग आराम से खेलें ताकि नीचे वाले भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो जी वीवर जी, आप देख सकते हैं मेरा गैस का पाइप पड़ा हुआ है, हमने नीचे वालों से गैस भी दिया था तो गैस नहीं आता था, तो वो कह रही थी बिल दे दो, तो मैंने कहा जब गैस नहीं आता तो बिल किस लिए, इसलिए मैं अपना जो है ना सिलेंडर वगैरह चलाती हूँ। और अब वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो है ना मट्टी वाला जो मड वाला चूल्हा होता है तो वही लूँ,
और थापनी वगैरह जलाऊं, क्योंकि सर्दी में तो वैसे भी गैस नहीं होता, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं नीचे वालों को भी बिल दूं और सिलेंडर भी ज्यादा अफोर्ड करूं, तो इंशाल्लाह यही सोचा हुआ कि मैं जो है ना मिट्टी वाला चूल्हा इस्तेमाल करूँ, इंशाल्लाह आपके साथ जलूंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी उसको कहाँ रखना है, कैसे सेट करना है, क्योंकि इधर बारिश भी बहुत होती है। तो बस जैसे होगा फिर अलहदा से चूल्हा लूंगी, कभी यहाँ रख लिया कभी वहाँ रख लिया, देखते हैं फिर क्या सेटिंग होती है, वो आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। बच्चे माशाल्लाह मेरे इधर खेल रहे हैं और मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, आराम से खेले, वो बॉल ले रहा हूँ चलती रहे हमारे गरीबों के लिए, तो यही एसी होता है और यही पंखा होता है, अगर हम पंखा चलाएंगे तो जाहिर सी बात है बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो बस मौसम ऐसा रहे, बारिश ना हो, तो जी व्यूअर्स आप लोग भी सब यही दुआ करें। अब मैं ये जो मसाले हैं ये जाके देखती हूँ, उनको डब्बे में डालती हूँ, कि मौसम बहुत खराब हो रहा है और इन मसालों को डालते हैं हम लोग, देखते हैं कि वो रेट खुश हो गया है। देखिए जी मैंने रेक, हाँ जी ये तकरीबन खुश्क हो गया है और मैं इसको डालती हूँ, बस सारे मसाले जो है ना वो डालती हूँ, सारे पहले बिछाती हूँ चार पाई, क्योंकि मौसम माशाल्लाह से अच्छा बहुत हो रहा है, अल्लाह करे ऐसे ही बारिश ना हो। तो देखिए ये खूबसूरत कितना लग रहा है, साफ सुथरा होके आज ये मदद से नहीं किया, और इतने भाई है दोनों लड़ रहे हैं आपस में और बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, है ना जान, आज आप क्यों तंग कर रहे हो बेटा जी, अंकल आंटी को हाय तो कर दो, अस्सलाम वालेकुम तो बोल दो, गुड ऑफ है कह दो ना बेटा, बुरी बात जी। आप देख सकते हैं जियान का अंडा गुम हो गया ना, और ये इतना इसका मूड खराब है, अब पापा आएंगे तो पैसे देंगे जियान को। ये माशाल्लाह मेरा जो है मसाला दान तैयार हो गया है, और अल्लाह करे बारिश ना आए, लेकिन फिर भी मैं लेके किचन में रखती हूँ। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है जी, आप लोगों ने दुआ में रखना है याद, साथ साथ मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी, क्योंकि एक दूसरे को दुआएं लेंगे और देंगे, क्या पता किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है जी। तो जाने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।